नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव यादव। आज हम उपस्थित हैं अशोक नगर की कृषि उपज मंडी में। इस मंडी में हमारे साथ हैं धनिया के व्यापारी सुरेश चंद्र अग्रवाल जी। तो उनसे जानेंगे यहाँ की मंडी में धनिया की कितनी आवक हो रही है और क्या दाम चल रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि मंडी में आगामी दिनों में धनिया के भाव को लेकर क्या स्थिति रहने वाली है। तो पहले तो आपका मार्केट टाइम्स टीवी में बहुत स्वागत है। थैंक यू। इस समय अशोक नगर की मंडी में जो धनिया की आवक हो रही है, कितनी आवक हो रही है? 5 से 7 हज़ार बोरी तक। 5 से 7 हज़ार बोरी की आवक हुई। इसके अलावा इसके दाम क्या चल रहे हैं धनिया? इसके दाम चल रहे हैं 6,000 रुपये से लेके 9,070 तक। 6,000 से लेकर 9,070 तक। अच्छा, इसमें एक और देखा जाए, सबसे अधिक दाम पर कौन सी धनिया चल रही है, क्या दाम चल रहे हैं सबसे? ईगल धनिया सबसे ज़्यादा तेज बिकता है। ग्रीन ईगल धनिया 8,000 से लेकर 9,000 तक बिकता है। 8,000 से 9,000 सबसे अधिक ट्राली उसी दाम पे खरीदी जा रही है? नहीं, कम दाम पे आती है। बादामी माल आता है 63 से लेकर 65 तक का, वो ज़्यादा आता है। सबसे अधिक आवक होती है? आवक होती है। अच्छा, धनिया की यहाँ पे कौन कौन सी किस्म आती हैं? धनिया की 3 किस्में आती हैं। एक तो बादामी आता है, एक ईगल आता है और एक कैरेट हरा वाला माल आता है। हरा वाला है। अच्छा, जो सबसे बेस्ट रहता है वो कैरेट हरा वाला? हरा वाला। अच्छा, तो इसके अलावा अपने यहाँ पे इस बार बीते साल की अपेक्षा देखी जाए तो धनिया की क्या स्थिति है? कम आवक है। पिछली साल कम से कम 10 और 12 हज़ार की थी, अब 7,000 की है। दाम में काफ़ी गिरावट हुई है? दाम बढ़े हैं। अच्छा, दाम बढ़े हैं लास्ट ईयर से। और जो आवक हो रही है वो? आवक अभी 5 से 7 हज़ार बोरी बता। नहीं, बीते साल की अपेक्षा देखी जाए साल की अपेक्षा परिवर्तन है। 5 हज़ार बोरी कम आ रहा है पर डे। पर डे। अच्छा, तो इसके पीछे क्या लगता है आपको, क्या किसानों ने इसकी खेती कम की थी या फिर उपज कम निकला है? बारिश के कारण, जो बारिश कम हुई है उसके कारण धनिया कम हुआ है। अच्छा, मतलब यानी कि यहाँ पे बारिश कम हुई थी तो बारिश की वजह से किसानों ने धनिया की कम हुई थी, इस वजह से इसका असर। इसका असर। अच्छा, तो वर्तमान समय में जो आवक हो रही है, आगामी समय में आप क्या कहेंगे धनिया के दाम क्या रहने वाले हैं, क्या कंडीशन रहेगी आगे की? कंडीशन तो ये रहेगी, धनिया में पैसा तो बढ़ेगा। क्या अनुमान है कौन से समय तक और कितना बढ़ सकता है? मई और जून उसमें आवक बढ़ेगी। जुलाई में बरसात हो जाती है तो कम आवक रहती है। तो मई और जून में कितने रुपए बढ़ सकते हैं? 500 रुपए लगभग इसमें बढ़ना चाहिए अधिकतम दाम। अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, आगामी समय में आपको क्या अनुमान है मंडी में धनिया की आवक ज़्यादा होगी कम होगी, क्या पॉजिशन? एक महीना ज़्यादा होगी, उसके बाद फिर इसी टाइप की बराबर 4-5 हज़ार बोरी रहती है बरसात। अच्छा, मतलब एक महीने तक अभी इसी तरह से चलेगी, इसके बाद फिर कुछ कम हो जाएगी? कम हो। वो बरसात में जैसे धनिया में कुछ परिवर्तन रहता है क्या, कुछ वजन में अंतर आता है क्या रहता वो है? वो तो मॉइस्चर के ऊपर वजन में अंतर कुछ नहीं आता धनिया में, तो ये जो सेम वजन है वही रहता है। अच्छा, किसानों का मानना रहता है कि जैसे बारिश का मौसम शुरू होता है तो फिर थोड़ा बहुत धनिया में वजन में परिवर्तन, तो नमी से थोड़ा 1 किलो 2 किलो बुरा का अंतर आ जाता है, जो नमी धनिया पी लेता है उससे कम आ जाता है। मतलब आपके तौर पर सीधा सीधा कहना है कि 2 महीने के लिए दाम बढ़ जाएगा। बारिश का मौसम शुरू होगा उस समय क्या कंडीशन रहेगी? बारिश के मौसम में जो प्लांट की कंडीशन रहती है, चलते हैं धना के प्लांट तो बराबर रहेंगे, और प्लांट बंद हो जाएंगे तो फिर दोबारा से रिवर्स आ जाएंगे। आगे इसकी डिमांड कैसी चल रही, मांग कैसी है? डिमांड ऊपर इस बार कम है, इस बार कम चल रही। गुजरात में माल अच्छा हुआ है, इसलिए पहले गुजरात माल खपता था, गुजरात में माल कम हुआ है इसलिए यहाँ पे आप कम डिमांड है गुजरात। यहाँ के जो व्यापारियों के द्वारा खरीदा जा रहा है वो स्टॉक कर रहे हैं या सीधा बाहर के? चालानी में काम चलता है सबका, स्टॉक वाले बहुत कम रहते हैं। मतलब सीधा सीधा सप्लाई करते हैं आड़त में लेते हैं और कुछ बिल्डिंग में बेचते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।